सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और नई 2022 की भर्ती निकल चुकी है जिसमें कुलपद तीन पदों पर यहाँ पर जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और वहीं बात करें आयु सीमा की क्या रहने वाली है आयु सीमा और सैलरी वेज क्या रहने वाला है उत्तराखंड के कौन से वर्गों के लिए यह भर्ती है उसका यहाँ पर आप सभी को लाभ दिया जा रहा है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर तीन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 के अंतर्गत देहरादून की तरफ से एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है जिसमें हम बात करें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25 मार्च यहाँ पर की गई थी 2022 को लेकिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की तिथि यहां पर पाँच अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली है तो बहुत ही अच्छी खबर बहुत ही गुड न्यूज़ और लास्ट डेट क्या है और कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या है महत्वपूर्ण खबर आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लें क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह की नई योजनाएं और नई भर्तियों से जुड़ी जानकारी लगातार आपके समक्ष लाता रहता हूँ तो बात करें उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त तीन पदों पर हेतु विज्ञापन जारी हुआ है यानी कि तीन पदों पर यह असिस्टेंट प्रोफेसर की 2022 की यहां पर नई भर्ती निकल चुकी है जो कि इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो होगी गई थी पाँच अप्रैल 2022 से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 25 मार्च 2022 तक यहां पर मान्य कर दी गई है तो रिक्तियों का विवरण उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन यहां पर आमंत्रित किए जाएंगे अन्यथा आप इसमें आप ऑफलाइन तरीके से इसमें आवेदन नहीं कर सकते यानी कि सीधे तौर पर आप इसमें ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु तो आवश्यक दिशा और निर्देश क्या दिए गए हैं इसमें अभ्यर्थी विज्ञापन का समय रूप से अवलोकन करने हेतु तो बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ukmssb.org पर यहाँ पर जाएंगे उसके बाद ही यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आप उत्तराखंड शिक्षा से सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ही यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से पाँच अप्रैल 2022 से उपलब्ध रहेगा तो इसमें आवेदन इसमें कर सकते हैं और इसमें मुख्य अंतिम रूप जो ऑनलाइन का है 25 अप्रैल है और अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन परीक्षा की सभी शर्तों का पूरा करने के पश्चात ही उसे आवेदन करना पड़ेगा यानी कि जो आहताएँ हैं वह सापेक्ष तरीके से कहा गया है जो इसकी सापेक्ष में जो इसमें अहर्ताएं हैं उसको अगर मान्य होगा तभी जाके आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें बात करें आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरांत प्रस्तुतियों का सावधानीपूर्वक जांच कर लें उसके बाद ही इसमें आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं तो वहीं बात करें हम पद का नाम है वेतनमान क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर पद का नाम है वेतन यहाँ पर ग्यारह लेवल के हिसाब से सड़सठ हज़ार सात सौ रुपये से लेकर दो लाख आठ हज़ार सात सौ रुपये तक का रखा गया है तो वहीं बात करें हम अनारक्षण सामान्य वर्ग के लिए एक सौ उन्यासी पद और अनुसूचित जनजाति के लिए अस्सी पद वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए चार पद रखे गए हैं अन्य पिछड़ा वर्ग भी यहाँ पर शामिल किया गया है जिसमें सैंतालीस पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उनतीस पद यहाँ पर रखे गए हैं टोटल मिला के तीन सौ उनचालीस पदों पर यह वर्ती निकाली हुई है जिसमें इसमें रिक्त जो पद होंगे वह पाँच अप्रैल दो हज़ार बाईस से यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर लिए जाएंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण खास बिंदु यहाँ पर अहर्ताएँ हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो इसमें यह देख सकते हैं यो जो जाति के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण जनजाति के लिए रिक्त पद हैं उनके लिए कोड दिए हुए हैं प्रोफेसर जो असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए यह अवलेकन कर दिया गया है तो रिक्त पद देख सकते हैं बहुत लंबा यहाँ पर रिक्त पद है। इसमें यहां पर हैं इसमें प्रादेशिक यहाँ पर अर्ताएँ जो हैं कुछ बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वीरता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या यह मुख्य तौर पर तौर पर कहा गया है या राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का वी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो यह दो महत्वपूर्ण यहाँ पर आप सभी के लिए विधिता रखी गई है जिसमें अगर आप दो तरीके से इसमें अगर सक्षमता रखते हैं तो इसमें आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसमें अभ्यर्थी का देश का किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध रहेगा और पंजीकरण इसमें नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है तो इसमें नोट के साथ कहा गया है तो इसमें काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग का पंजीकरण प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य नहीं है लेकिन जो नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा वह बहुत ही जरूरी है तो वहीं बात करें आयु सीमा की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है तीस वर्ष से पैंतालीस वर्ष निर्धारित की गई है गणना जो होगी एक जुलाई 2021 से अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2021 को न्यूनतम तीस वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को उचित आयु सीमा के में उतनी छूट अनुमति मान्य होगी और यह उनके लिए कुछ यहाँ पर अनुमति है वह मान्य कर दी गई है पूर्व सैनिकों को पूर्ण पूर्व सेनिका सेनिका हेतु जो निर्धारित होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है तो आपको मैंने पूरे यहाँ पर प्राप्त अंक बता दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर कुल अंक हंड्रेड परसेंट हंड्रेड मास्क का रहने वाला है जिसमें आप पेपर जो प्रकाशन होगा मूल्यांकन जो होगा प्रकाशन के पाँच अंक और अधिकतम बीस अंक तक रहने वाला है नोट इसमें वन होगा पेपर प्रकाशन एम सी एस और पब्लिक एन ए एम सी द्वारा यहाँ पर निर्धारित मानकों के अनुसार मान्य होंगे जो कि अंक बीस का यहाँ पर रहने वाला है तो अनुभव के हिसाब से भी आपको यहाँ पर एक्सपेंस के हिसाब से भी आपको यहाँ पर मान्यता दी जाएगी पूर्ण एक वर्ष हेतु तो चार अंक और अधिकतम बीस अंक तक रखा गया है तो अनुभव के हिसाब से राज्य केंद्र और स्व राजकीय चिकित्सा राजकीय मेडिकल कॉलेज के मान्य होंगे निजी क्षेत्र का अनुभव अंक निर्धारित हेतु मान्य नहीं होगा यह भी बीस अंक का रखा गया है जो कि आपको मैंने टोटल वाइज बता दिए हैं किस तरह से आप इसमें स्पेशलिस्ट इस के लिए दस है तो अतिरिक्त में योग्यता जो होगी वह उसके लिए डी एम और डी एन वी सुपर स्पेस स्पेशलिस्ट की तरफ से यहाँ पर दस अंक रखे गए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी आप सभी के लिए तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षा अर्ता हेतु एन एम सी और एस सी आई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य जो न्यूनतम पेपर प्रकाशन एवं अनुभव के उपरांत पेपर प्रकाशन व अनुभव के अंक यहाँ पर दे अनुमान्य होंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी आप सभी के लिए तो उत्तराखंड के दो तीन सौ उनचालीस नई भर्ती निकल चुकी है नई वैकेंसी आप सभी के लिए तो इस वैकेंसी का आप जरूर ही यहाँ पर प्रयोग अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है बहुत सारे यहाँ पर इसमें नहीं अपनी किस्मत को आजमाते हैं लेकिन आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी किस्मत को जरूर ही यहां पर आजमाने की कोशिश करें शायद हो आपका सलेक्शन इसमें हो जाए बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए भर्ती संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लें तो मिलते हैं इस तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त Thank you, bye bye, take care.